लोकसभा चुनाव 2024 में जिस सीट पर देश और दुनिया की निगाहें हैं वो है रायबरेली। रायबरेली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी मैदान में हैं और उन्हें चुनौती दे रहे हैं बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह और बसपा के ठाकुर प्रसाद यादव। इस सीट पर कुल 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर अंतिम समय तक सस्पेंस बनाए रखा था, लेकिन अभी एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं जिसके अंदर भाजपा को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी की रायबरेली और उसके अलावा वो केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं, उन दोनों सीटों के एग्जिट पोल में नतीजे क्या आए हैं। सबसे पहले हम बात केरल की वायनाड सीट की करते हैं। एग्जिट पोल में केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ को 16 सीटें मिल सकती है, जबकि एलडीएफ को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं केरल में पहली बार बीजेपी का खाता भी खुल सकता है। एग्जिट पोल में बीजेपी को केरल में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल की माने तो राहुल गांधी के लिए रायबरेली से जीत हासिल करना भी मुश्किल नहीं होने वाला है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की इस लोकसभा सीट से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता यहां पर बड़े अंतर से जीत हासिल कर सकते हैं। राहुल गांधी को 56% तो दिनेश प्रताप को 33% वोट हासिल हो सकता है। रायबरेली में 5 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से सभी पर कांग्रेस आगे चल रही है। पचरावा, सरेनी और चहार विधानसभा में कांग्रेस बड़ी बढ़त के साथ आगे है, जबकि हरचंदपुर और रायबरेली विधानसभा सीट पर मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है। मगर फिर भी नतीजे कांग्रेस की ओर ही झुकते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी से भी चुनाव लड़ा था, जिसमें स्मृति ईरानी, भाजपा की दिग्गज नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। इस बार अमेठी से राहुल गांधी ने चुनाव नहीं लड़ा था, जबकि रायबरेली की सीट राहुल गांधी ने सिलेक्ट की थी और इस बार वो रायबरेली और वायनाड यानी 2 सीटों से चुनावी मैदान में है और एग्जिट पोल की माने तो दोनों ही सीटों से राहुल गांधी की जीत दर्ज की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो इन दोनों सीटों पर कौन जीतता है और कौन हारता है और जो जीतेगा उसका जीत का अंतर क्या रहता है। वैसे ये दोनों ही सीटें देश और दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है।